अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, जमीतुल खुरेज जॉइंट सेक्रेटरी। आज यहाँ पे कमिश्नर साहब की जानिब से सालारजंग म्यूजियम में एक मीटिंग ली गई थी, बकरीद के जो भी इंतजाम के वास्ते बात की गई है और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके ताल्लुक से बात की गई है। सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, आप लोग इससे एंड 3-4 दिन पहले आके आप लोग मीटिंग ले रही, सबसे पहले तो ये होना चाहिए आप लोग को महीना डेढ़ महीना पहले मीटिंग लेते हुए, जो भी खुरेज बरादरी हो या जो जानवर लाके जो बेचते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ जो है जो कुर्बानी के बाद में साफ सफाई के ऊपर ही बात हो रही है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ पुलिस की जानिब से हर आए दिन जो है सो नए नए वाकयात आ रहे हैं, मलकपेट में पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से जानवरों को बाउंड्री में से उठा के लेके जाया गया, उसके बाद में मोइनबाग में हुआ, अब रिसेंटली जगह जगह शहर में हर गली में पुलिस वाले आके बोल रहे हैं जानवर यहाँ से हटा लो, रोडों पे से हटा लो, ले लेके चले जाओ कहीं भी। वो तो क्या इस बारे में मीटिंग में इस बारे में मीटिंग में हमारे रहमत बेग साहब MLC साहब जो है इसके ऊपर आवाज उठाए और माजिद हुसैन साहब नामपल्ली MLA साहब उन्होंने भी आवाज उठाए, तो कमिश्नर साहब तहखुन ये दे रहे हैं कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और एक ये कहना है ये जो नाम निहाद गौर लुटेरे जो रोडों पे आए हुए है इनको रोक रहे नहीं। अब आज से पहले तेलंगाना में दूसरी हुकूमत थी, दूसरी हुकूमत में जो है सो पुलिस फ्रेंडली पुलिस बोल के पुलिस एटलीस्ट फ्रेंडली कॉपरेट कर रही थी, लेकिन हुकूमत बदलते कि क्या पुलिस का टैग जो है फ्रेंडली पुलिस का टैग भी चले गया क्या? पुलिस आज गौरव संघ से ज्यादा पुलिस शहर में जुल्म कर रही है। आज तक हमारी बकरीद में आज ये साल जैसा गली गली में आके पुलिस वाले जो डरा रहे धमका रहे जानवर पकड़ के लेके चले जाते बोल रही, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था तेलंगाना में। तो ये पुलिस की जानिब से भी जो गलत हो रहा है इसके ऊपर हम किसको नुमाइंदगी करना, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं, खाली साफ सफाई के ऊपर कर रहे हैं। आजकल जो रशीदा देखिए बाजार से जो ट्रेडिंग करते हैं ये ट्रेडिंग कानून में जायज है, लीगल है, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाके हमको बेचना ट्रेडिंग जो है सो कानून में कहीं पे भी इलीगल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले रोक के रसीद रहने के बावजूद वो जानवरों को जब्त कर ले रही। फिर फिट फॉर स्लॉटर का जैसा कि कमिश्नर साहब का कहना है फिट फॉर स्लॉटर का सर्टिफिकेट लेना, ये फिट फॉर स्लॉटर का सर्टिफिकेट कहीं पे भी नहीं दिया जा सकता, इसको चाहिए कि पहले कानून के जो रखवाले है ये लोगों को इतनी मालूमात नहीं है। फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट एनिमल हस्बेंड्री से जाता है दिया जाता है वो स्लॉटरिंग के वक्त, जबकि हम ये कुर्बानी दे रहे हैं तो हुकूमत की जानिब से ये सर्टिफिकेट के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करे, हुकूमत कोई गाइडलाइन जारी करे नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट देने वाले कोई भी नहीं है, सर्टिफिकेट होना बोल रही। खुरेज बरादरी के बारे में तो कुछ भी बातचीत नहीं हुई, हमारे को ये हमारा मुतालिबा ये है खुरेज बरादरी की जानिब से महीना डेढ़ महीना पहले मीटिंग होना और हमारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं जो दिन पे दिन प्रॉब्लम जो बढ़ रहे हैं उसके ऊपर बातचीत होना, तो ये हकीकी मायनों में काम होगा। खाली फॉर्मेलिटी की मीटिंग लेना है तो ये मीटिंग लेना बेमकसद है, ये और हुकूमत को चाहिए कि अगर आप नई हुकूमत बनाए हैं तो काम करिए, ये जुल्म मत करिए आवाम के ऊपर, जुल्म करेंगे तो वो हुकूमत बरकरार रहने वाली नहीं है। हम रेवंत रेड्डी साहब से मुतालिबा करते हैं ये पुलिस का जुल्म बंद होना चाहिए, आज तक तेलंगाना में अभी तक होम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं दिया गया है, तो पुलिस को कंट्रोल कौन कर रही है, पुलिस जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं इनको कौन कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारा हुकूमत से सवाल है।